आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मिश्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। यहां गेहूं की अधिक खपत होती है। अभी तक मिश्र यूक्रेन और पास के अन्य देशों से अपना अधिकांश अनाज खरीदता आ रहा था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भयंकर जंग के कारण देश को गेहूं खरीदने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मिश्र ने भारत से 1,80,000 टन गेहूँ खरीदने का अनुबंध किया है, जो पहले की सहमति से कम बताया जा रहा है। वहीं आपूर्ति मंत्री अली अल मोहसे अली का कहना है कि उनका देश अनाज से अधिक आटा निकालने के लिए अधिक से अधिक आलू का उपयोग करने की तरीकों पर विचार कर रहा है, इससे गेहूं के आयात में कमी आएगी। उन्होंने कहा, हम 5,00,000 टन गेहूं के लिए सहमत हुए थे, पर बंदरगाह में 1,80,000 टन ही है। यूक्रेन में जंग ने दुनिया के कई देश को भुखमरी की राह पर ला खड़ा कर दिया है। वह संयुक्त राष्ट्र ने तो पहले ही चेतावनी जारी की थी कि अगर यूक्रेन में जंग समाप्त नहीं हुआ तो आने वाले समय में कई देश भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे, इससे दुनिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। मिश्र देश मुख्य रूप से आयातित गेहूं पर ही निर्भर है, इससे वह अपनी 10.3 करोड़ आबादी में से 7 करोड़ से अधिक लोगों को भारी सब्सिडी वाली रोटी का इंतजाम करता है। जैसा कि मिश्र ने आयात मूल्य में विविधता लाने की मांग की है, आपूर्ति मंत्री अली अल मोहसे अली ने मई में कहा कि वह भारत से 5,00,000 टन गेहूँ खरीदने के लिए सहमत हो गया है। वहीं भारत ने उसी महीने गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खाद्य सुरक्षा जरूरतों वाले मिश्र जैसे देशों के लिए भत्ते दिए। वहीं उन्होंने कहा कि हम गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए आलू का सहारा लेंगे, हम अब तकनीक को देख रहे हैं। मोहसे अली के अनुसार स्थानीय फसल में 3.9 मिलियन टन की खरीद के बाद लगभग 6 महीने के लिए वर्तमान गेहूं का पर्याप्त भंडार है। वहीं इससे पहले 2 जून को मिश्र के सप्लाई एवं आंतरिक व्यापार मामलों के मंत्री अली अल मोहसे अली ने कहा था कि मिश्र सरकार भारत के साथ एक डील पर बातचीत कर रही है गेहूँ को लेकर। हाल ही में मोहसे अली ने काहिरा में मिश्र में भारत के राजदूत से मुलाकात की थी। इस दौरान भारत से 5,00,000 टन गेहूँ के आयात समझौते पर चर्चा की गई थी। भारत ने भी गेहूं निर्यात पर बैन के बावजूद मिश्र को गेहूं भेजने पर सहमति भी दी थी। बता दें कि मिश्र विश्व में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। इससे प्रभावित होने वाले देशों में मिश्र भी है। कोरोना वायरस के बाद से मिश्र विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है। घरेलू बाजार से अंतर्राष्ट्रीय निवेश पहले ही अपनी पूंजी निकाल चुके हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। मिश्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है। देश में बड़े पैमाने पर ब्रेड कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि देश के लगभग 7 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध होने से पहले तक मिश्र इन्हीं देश से गेहूं का सर्वाधिक आयात करता था, लेकिन यूक्रेन संकट के कारण हालात खराब हो गए हैं। मिश्र संकट की इस घड़ी से उभरने के लिए भारत से आस लगाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।